Assalamualaikum. I'm presenting the best school system और आज हम grade 4 का chapter number 7 math का study करेंगे जिसके अंदर हमने units की एक दूसरे के अंदर conversion पढ़नी है. यानी एक unit से हम दूसरे unit के अंदर convert करेंगे. जैसे centimeter अगर दिया हुआ है तो हम उसको millimeter में देखेंगे. अगर millimeter में दिया हुआ है तो हम उसको kilometer के अंदर लेके जाएंगे. ठीक हो गया. इस तरह से हमने हर unit की एक दूसरे के अंदर conversion करनी है. अब यहाँ पर different units की conversion के मैंने method लिखे हुए हैं. जैसे कि अगर आप यहाँ किलोमीटर से मीटर के अंदर जाना चाह रहे हो तो आपने 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना. जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया हुआ है. ठीक है, आप मल्टीप्लाई लगाओ ना लगाओ मल्टीप्लाई तो अंदर आएगा. जैसे यहाँ पे मैं एक अगर मल्टीप्लाई अंदर लगा दूँ तो कोई इतना इशू नहीं है. ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है वो. इसी तरीके से ये जो मैंने सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं इसी मैथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं. अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो 42 मिलीमीटर. ठीक है, और इस तरीके से आपकी सारी की सारी ब्लैंक्स दी हुई हैं जिनको मैंने बुक फिल किया है. ठीक है, बुक के ऊपर ये फिल्ड नहीं है. अच्छा, फिल कैसे करना? 42 मिलीमीटर से आप जा रहे हो सेंटीमीटर के अंदर. अगर वो देखो वहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, जब मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्जन कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, जो भी साथ यूनिट है उसको वैल्यू को 10 के ऊपर डिवाइड कर रही हूँ. सेम के हिसाब से यहाँ पे भी करना है. आपके पास 42 सेंटीमीटर था तो आपने 42 को डिवाइड कर दिया 10 के ऊपर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.2. ठीक हो गया, ये आपका आंसर. अच्छा, ये जो क्लाउड्स मैंने बनाए हैं ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. ये जस्ट मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, आपको मेथड करके बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से उसको डिवाइड किया. मेरे पास था 42, मैंने 42 को ऊपर रखा, 10 के ऊपर जो डिवाइड करना था वो मैंने वो फार्मूला से देखा और मैंने इस 42 को 10 के ऊपर डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद आप कैलकुलेटर पे करके देख लो या जैसे मर्जी आपका आंसर आएगा 4.2 सेंटीमीटर. ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई पॉइंट को. ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 66 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से अब आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर के अंदर. ठीक हो गया, जब अगर आप देखो सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्जन आपकी दी हुई है यहाँ पे. ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट आप सेंटीमीटर से कन्वर्ट हो रहे हो मीटर के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा वैल्यू को. क्लियर, तो मैंने यहाँ पे यही किया, 66 ऊपर रखा और वहां से मेथड देके 100 के ऊपर मैंने 66 को डिवाइड कर दिया. जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.66 सेंटीमीटर. ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 450 मीटर कन्वर्ट करके किस में जा रहा है, किलोमीटर में. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर या फिर आप इसको भी देख सकते हो, लेकिन आप सिंपल वाला देख लो, 1 मीटर से 1/1000 के ऊपर डिवाइड करें तो आप किलोमीटर के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यही किया, आपने जाना था किलोमीटर से मीटर के अंदर तो क्या किया, उसको 1000 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू लगा दी दूसरे लफ्जों में. ठीक है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, आप कैलकुलेटर पे करके देखो, 15.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो वो आपका आंसर आ जाएगा जो मैंने लिखा है. ठीक है, 15800. क्वेश्चन नंबर 5, 8 मीटर से आपने जाना है किलोमीटर के अंदर. दोबारा वहां पे जाए यूनिट में देखें, किधर से कन्वर्ट करेंगे, मीटर से किलोमीटर के अंदर, यही आपके पास लिखी हुई है, मीटर से किलोमीटर. दोबारा से आप क्या करोगे, 100 के ऊपर डिवाइड कर दोगे वैल्यू को. आपकी वैल्यू 8 थी, 8 आपने जाना है किलोमीटर के ऊपर अंदर तो आपने 1000 पे डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 पे उसको डिवाइड किया था. सेम फॉर्मूला आपके पास फॉलो होगा, 1000 पे डिवाइड करेंगे 8/1000 कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ठीक, आपने उधर से फॉर्मूला देखते जाना है, अप्लाई करते जाना है, आपके पास आंसर आते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6, 2.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आपने जाना मिलीमीटर के अंदर. मेथड देखें, सेंटीमीटर से मिलीमीटर के अंदर जाने के लिए आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने यहाँ पे भी क्या कर देना है, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2.6 × 10 आपके पास 26 बन जाएगा. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन पार्ट बी इसका 7.1 का, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. फॉलोइंग इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है. यहाँ पर 2.4 किलोमीटर आपने उसको कन्वर्ट करना है
मीटर के अंदर, तो आपके पास हमेशा जो है 2.4 किलोमीटर से, दोबारा से उसी तरीके से कन्वर्ट करने, किलोमीटर से आप जा रहे हो मीटर के अंदर, तो वहां से देख सकते हो किलोमीटर से जब आप मीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो ये, तो आप क्या कर रहे हो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, सॉरी 1000 के साथ, तो यहाँ पे भी आपने 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हर एक का सोल्यूशन मैं साथ साथ नहीं करूंगी, मैंने इनको डायरेक्टली लिख दिया, क्लियर। उसके बाद 65 मीटर से किलोमीटर के अंदर, मीटर से किलोमीटर के अंदर जाते हो दोबारा से आप डिवाइड करोगे, मैंने भी यहाँ पे 65 को डिवाइड कर दिया तो 0.065 आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, 65 को डिवाइड कर दिया 1000 के ऊपर अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, ठीक हो गया। उसके बाद 9.3 मीटर आपने कन्वर्टेड है सेंटीमीटर के अंदर, तो आप क्या करोगे 100 के ऊपर डिवाइड कर दोगे तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा 0.093। 100 के ऊपर डिवाइड किया तो पॉइंट पीछे चले गए। क्वेश्चन नंबर 4, 295 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आप जा रहे हो मीटर के अंदर, तो क्या करोगे उसको 100 के ऊपर डिवाइड कर दोगे, जैसे यहाँ पे बार बार मैंने ये फॉर्मूले रिपीट करने हैं, सेंटीमीटर से मीटर के अंदर जाते हुए 100 पे डिवाइड, तो यहाँ पे भी यही काम किया हमने, इस चीज को 100 के ऊपर डिवाइड कर दिया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, 268 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर के अंदर जा रहे हैं, दोबारा से 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.68। लास्ट 325 किलोमीटर, किलोमीटर से आप जा रहे हो मीटर के अंदर, दोबारा से क्या करोगे उसको 100 के साथ 1000 के साथ सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे, वो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद पार्ट सी, व्हिच यूनिट वुड यू यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट। सबसे पहले मैंने कहा है कि इसमें मैंने दरअसल पूछी हुई है चीजें कि किसी भी चीज को जब हमने मेजर करना तो उसका सूटेबल यूनिट आपने खुद बताना है, यानी जितनी लेंथ किसी चीज की होगी उस हिसाब से हम उसका यूनिट बता देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ बाथ टब, जिस टब के अंदर आप बाथ लेते हो जो आपके वॉशरूम्स में लगा होता है उसकी लेंथ किस में हम मेजर करते हैं, क्या मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में या फिर मीटर्स के अंदर। तो डेफिनेटली सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा होता है, जबकि बाथ टब आपका अच्छा सा बड़ा, आपको किसी बड़े यूनिट की जरूरत है तो आप यहाँ पे लगा लोगे मीटर्स, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, अब दो सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसको आप मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में नहीं मेजर करोगे, ना ही मीटर्स के अंदर, क्योंकि मीटर तो छोटा सा होता है एज कम्पेयर टू सिटीज। सिटीज के अंदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे आपने लाहौर से अगर जाना है इस्लामाबाद या सियालकोट से लाहौर, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप मीटर्स के अंदर उसको मेजर नहीं करोगे, आप क्या करोगे किलोमीटर्स में, जैसे कहा भी जाता है कि सियालकोट से लाहौर का डिस्टेंस इतने किलोमीटर, तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आप यूनिट भी बड़ा वाला सेलेक्ट करोगे, तो उस लिहाज से किलोमीटर आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन ये हाइट ऑफ अ पर्सन, अब पर्सन किलोमीटर्स के अंदर कभी भी नहीं हो सकता, किलोमीटर बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो पर्सन को हम ज्यादातर मीटर्स के अंदर मेजर करते हैं, क्लियर। पर्सन यानी एक ह्यूमन हाइट। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ अ रनिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक जिसके ऊपर आप भागते हो रेस लगाते हो उसकी लेंथ आप किसके अंदर मेजर करते हैं, तो यूजुअली जो ट्रैक्स रनिंग ट्रैक्स होते हैं उनकी लेंथ किलोमीटर्स के अंदर मेजर की जाती है, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा।